वेल, अगर आपके पास ग्रैंड कॉइन्स पड़े हैं ग्रैंड आरपी में, तो आप उनसे क्या खरीदोगे? जाहिर सी बात है, अगर आप लॉजिक के साथ जाते हो तो आपको बस प्राइम टिकट खरीदना है, खुद के लिए रखना है, या फिर आप किसी और को बेच सकते हो। तो ये मोस्टली लॉजिकल आंसर बनता है इसका। लेकिन अगर आप जो है वो अपने ग्रैंड कॉइन्स घटिया चीज़ों में स्पेंड करने वाले हो, तो फिर यार ये वीडियो आपके लिए है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बाय करनी है ग्रैंड कॉइन्स से, ये चार चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने ग्रैंड आरपी पे रजिस्टर नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो ग्रैंड आरपी के लिए, जो कि कंप्लीटली फ्री सर्वर है। बस आपके पास एक लेजिट GTA 5 की कॉपी होनी चाहिए, जो कि आप स्टीम एपिक गेम्स या फिर रॉकस्टार लॉन्चर से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास GTA 5 नहीं है, तो मोबाइल पे भी आप ग्रैंड आरपी का एक वर्जन खेल सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भाई वो गेम स्टार्ट नहीं होता, तो उसको फिक्स कर दिया है ग्रैंड आरपी ने। एंड मेरा प्रोमो कोड भी है GTA रेज करके, तो आप जो है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्टोर में। एंड भाई डिस्काउंटेड प्राइस पे आप यहाँ पे गुडीज खरीद सकते हो। एनीवेज आते हैं यहाँ पे वीडियो पे। तो सबसे पहली चीज की बात करें जो कि आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है ग्रैंड कॉइन से, तो वो है यहाँ पर मनी। अब स्टोर में आपको यहाँ पे मनी दिख जाएगा, 5 GC का 20,000, 7 GC का 1,00,000। तो इतने पैसे तो यार आप ऑफिस के टास्क करके ही बना लोगे। 6 टास्क अगर आप करते हो, तो फिर यार आपको मोस्टली 1,00,000 रुपए से ऊपर ही बना, 1,00,000 ग्रैंड आरपी डॉलर से ऊपर ही बना लोगे अगर आप बोनस वोनस पकड़ लो उसमें। तो ये जो चीज है वो काफी ज्यादा घटिया है। ऑफकोर्स जो 100 GC की है, ये 3 मिलियन जो आपको मिल रहा है, उस पर लिखा भी है बेनिफिट 1500%, 1500% का आपको बेनिफिट होगा अगर आप ये परचेस करते हो। लेकिन मेरे राय में, मेरी नज़र में आपको 1500% का यहाँ पर लॉस होने वाला है, बिकॉज इसका एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है क्रेट्स। बिकॉज जितने आप यहाँ पे ग्रैंड कॉइन्स खर्च कर रहे हो ना, उतना वर्थ इट नहीं है यहाँ पर इसको बाय करना, बिकॉज क्रेट्स जो है वो ज़्यादा सेंस बनाता है ओपन करना का। एंड ऐसी वैसी क्रेट्स नहीं, मेरी फेवरेट, सारे यूट्यूबर्स में मैंने इसको पॉपुलर कर रखा है, वो है यहाँ पे इनस डॉन नियॉन। 12 GC की क्रेट है ये, एंड आपने मुझे देखा होगा बहुत बार मैंने खोला है इसको, एंड ये सबसे ज़्यादा पैसे निकाल के देती है। तो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग 100 GC का 3 मिलियन, आप इसको खोल सकते हो 12 GC की। अगर आप ये 10 क्रेट खोल लेते हो, तो आपको गारंटेड 1 मिलियन मिलेगा ही, एंड इसके रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कार मिल गई तो यार और भी अच्छा है, आप कार रख सकते हो या फिर उसको बेच सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कार का इंश्योरेंस, तो उसको बेचना ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपको वो क्रेट नहीं खोलनी, तो आपको इनस फैंटम, ये 15 GC की आती है, 3 GC ये महंगा है, बट ये जो है वो आपको उसी के टाइप के रिवॉर्ड्स देंगी, एंड ये कार डिफरेंट है, आपके पास चांसेस है कि आप जो है वो ये कार भी जीत सकते हो। तो यार इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन दोज मनी वाला ग्रैंड आरपी का जो इन गेम करेंसी है, उस पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे ये क्रेट्स खोल रहे हो। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कार्स। अब आप बोलोगे भाई ग्रैंड आरपी में हम आते ही गाड़ी चलाने हैं, एंड तुम बोल रहे हो कि भाई कार्स मत खरीदो जीसी से। इनफैक्ट इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आप जीसी से कार खरीदते हो, तो फिर आपको यार वो फुल्ली अपग्रेडेड मिलती है, प्लस 30 डेज का इंश्योरेंस भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट उसका नेगेटिव साइड ये है कि आप वो गाड़ी किसी को बेच नहीं सकते। अब बहुत 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 टाइम पहले जब ग्रैंड आरपी नया था, तब आप अगर जीसी से बाय करते थे गाड़ी, तो आप वो भी बेच सकते, तब वो ऑप्शन था। लेकिन ग्रैंड आरपी ने उसको हटा दिया है। वो क्यों हटाया है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें होने लग गई थी, एंड आपको समझ ही आया होगा कि क्या कौन सी गलत चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो जीसी से क्यों नहीं खरीदना चाहिए गाड़ियाँ? अगर आप फैमिली बनाने की सोच रहे हो, ठीक है, फैमिली अगर आपकी बनानी है, आपको बहुत बड़ी फैमिली बनानी है, एंड बंदे अट्रैक्ट करने के लिए आपको अच्छे अच्छे कार्स चाहिए, तो फिर यार आपके पास अगर अच्छे कार्स नहीं है, आपके पास ढेर सारे जीसी पड़े, तो यार गो फॉर इट, आप जीसी से गाड़ियाँ खरीद सकते हो, वो अपग्रेडेड भी आएंगे, प्लस 30 डेज का आपको इनिशियल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप एक नॉर्मल प्लेयर हो, आप एक अच्छी फैमिली में हो, वहां पे सारी अच्छी कार्स है, आपके पास भी खुद के पास अच्छी कार्स है, एंड यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं जीसी से कार खरीद लूँ, तो इट डजेंट मेक सेंस। आप जो है वो इसको अल्टरनेटिव तरीकों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ये फॉरएवर लाइसेंस ले सकते हो, जो कि 25 GC का आता है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा आपकी। बस इसमें जो है वो गन लाइसेंस नहीं मिलता, तो गन लाइसेंस आपको बार बार लेना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो ये इसके ऊपर, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर आप पैसे खर्च कर सकते हो। बट ये लेवल 4 के बैकपैक के ऊपर पैसे मत खर्च करना, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत ईजिली चीपली अवेलेबल है आज की डेट में ग्रैंड आरपी में, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ों पे आपको पैसे नहीं खर्च करना है, जैसे कि कार्स हो गया। कार्स के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, बिकॉज ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है रियल लाइफ में भी, एंड यहाँ पे ग्रैंड आरपी में भी। अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल कोई हेलीकॉप्टर खरीदते
हो ग्रैंड आरपी में, जैसे कि 12 मिलियन का कोई हेलीकॉप्टर ले लिया, तो वो जो है वो 12 मिलियन का नहीं बिकेगा, वो 8-9 मिलियन का ही बिकेगा। यहाँ पे नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो है रॉलेट्स। अब रॉलेट्स बहुत ज्यादा है ग्रैंड आरपी में, मोस्टली क्लोदिंग वाले रॉलेट्स, फिर वेपन वाले रॉलेट एंड बॉडी आर्मर वाला रॉलेट, और भी दूसरे रॉलेट्स है उसके मैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट रखा है मैंने उसको। अब ये रॉलेट किस काम आता है भाई? ऑफ कोर्स रिवॉर्ड्स जीतने के काम आता है, बट ये जो है वो बहुत ही ज्यादा घटिया चीज इसीलिए है बिकॉज 5 बार खोलने से 10 बार खोलने से आप इसके अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं जीतोगे। कम से कम आपको जो है वो ये 100-200 बार तो यार मिनिमम खोलना ही पड़ेगा, तब जाके जो है वो आप इसमें से कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ पे निकाल पाओगे। मे बी वो भी चांस नहीं है कि भाई 200 बार खोलने के बाद भी आपको कोई अच्छा रिवॉर्ड मिले, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। ये उन्हीं के लिए बनाया गया है जिनका रियल लाइफ बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है एंड वो अफोर्ड कर सकते हैं ग्रैंड कॉइन्स परचेज करना। यहाँ पर हज़ारों 2,000, 3,000 ग्रैंड कॉइन्स वो परचेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये वो लोग कर सकते हैं। तो जो रियल लाइफ में भी अमीर है, ग्रैंड आरपी में भी अमीर है, तो वो लोग ये कर सकते हैं। बट नॉर्मल प्लेयर्स अगर आप जाते हो ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो भाई यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई मैं एक बार खोल लेता हूँ तो भाई लकीली भाई लग जाए, भाई क्या हो जाएगा, मेरा लक लग जाएगा, मेरी चांदी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा भाई, आपको एक टोपा मिलेगा कोई एक घटिया सा एंड आप निराश होके भाई वापस इसकी तरफ देखोगे नहीं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग जीसी ऑन दीज टाइप्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स, आप जो है वो कहीं और अपनी जीसी लगा सकते हो। मोस्टली एक सेंसेबल चीज़ यही बनती है कि भाई आप बैटल पास परचेस कर लो या फिर आप जो है वो प्राइम प्लैटिनम प्राइम टिकट्स परचेस कर लो, उसका जो है वो धंधा करो। एक ही चीज़ है जो आप बेच सकते हो ग्रैंड कॉइन से खरीद के, वो है प्राइम प्लैटिनम। अगर कोई दूसरी चीज़ है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना, प्राइम प्लैटिनम एंड नॉर्मल वाला प्राइम जो भी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे बेच सकते हो अगर आपके पास ग्रैंड कॉइन्स है तो। एंड यही सबसे बड़ी सेंसेबल चीज़ है बिकॉज इससे आपको इन गेम करेंसी भी मिलती है प्लस आपके ग्रैंड कॉइन्स सही चीज़ में यूटिलाइज भी हो रहे हैं। लास्ट चीज़ की बात करें यहाँ पे, तो लास्ट चीज़ है यहाँ पे एक और रॉलेट एंड वो है यहाँ पे कपड़ों वाला रॉलेट। अब आपने पहले वाला जो रॉलेट देखा वो है कपड़ों वाला, वो भी कपड़ों वाला ही रॉलेट था, बट ये अलग टाइप का कपड़ों वाला रॉलेट है। यहाँ पे आपको सेट्स मिलेंगे, ठीक है, एक कपड़े का पूरा सेट, लाइक निंजा वाला सेट हो गया या फिर यहाँ पे कोई सूट वाला सेट हो गया या फिर यहाँ पे कोई शेक कॉस्ट्यूम समथिंग है, तो इस टाइप के जो है वो चीज़ें यहाँ पर ये सेट्स में हैं। एंड ये सेट्स पे क्यों मैं मतलब रिकमेंड नहीं करता पैसे डालने का, तो वो है ये भी रॉलेट टाइप में आते हैं। यहाँ पे आप एक बार इसको स्पिन करोगे तो ये गोल गोल घूमेगा एंड एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड पे जो है वो आके रुक जाएगा, राइट। एंड पबजी में कैसे होता है कि आपने एक बार रॉलेट खोल लिया, एक बार आपको एक रिवॉर्ड मिल गया तो वो वापस दोबारा नहीं मिलता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बार आपको जो भी रिवॉर्ड मिल गया तो वापस से वो रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड इस पे भी आपको जो है वो हज़ारों ग्रैंड कॉइन्स खर्च करने के बाद मे बी उसके बाद आपको एक कंप्लीट पूरा सेट मिलेगा। अब एक एक चीज़ अगर आप लोगे, लाइक पंख मिल गए, कुछ एक शोल्डर टॉय मिल गया, तो वो सेंस नहीं बनाता। मोस्टली लोग इसको जो है वो सेट इकट्ठा एक सेट बनाने की कोशिश करते हैं। एंड ये जब आया था तब बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर खर्च किए थे, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी बहुत इस पर ग्रैंड कॉइन खर्च किए थे, बट एंड ऑफ द डे मुझे पता चल गया कि भाई ये बस वेस्टिंग ऑफ ग्रैंड कॉइन्स है और कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। तो ये 4 चीज़ें थी जिसमें आपको ग्रैंड कॉइन बिल्कुल भी खर्च नहीं करने हैं। आपको क्या लगता है और कौन सी चीज़ें जिसमें आपको ग्रैंड कॉइन नहीं खर्च करने चाहिए? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियोज जो है वो मिलते रहे इन द फ्यूचर। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।